लास्ट ईयर में हम लोग थे तो एक स्टडी आर होता था. स्वाति मैम हम लोग के रूम में, पर्सनली रूम में आती थी. एक घंटे के लिए हम लोग सबको पढ़ना पड़ता था. फोन कोई नहीं यूज करता था. इनफैक्ट घर वालों से भी नहीं बात करते थे हम लोग. और अब देखो 12 बजे का इन टाइम हो रहा है. मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ है पूरा. 360 फ्लिप. हम लोग पता है एक हम लोग का ऐसा टाइम था ना जब हम लोग का 7 बजे इन टाइम हुआ करता था. इन टाइम हुआ करता था. और पता है वीसी सर क्या रीजन देते थे? बोलते थे कि लड़कियों को सांप काट देगा. तो लड़कियों का इन टाइम बोल रहे थे आप लोग प्रिंसेस है डीएनए. सफर तो बहुत बढ़िया था. बाकी जहाँ पे मैं, अरे सॉरी, थैंक यू. बाकी जहाँ मैं खड़ा हूँ इसका भी एक अपनी कहानी है. जैसे बलराज सर के शासन में ग्राउंड भी नसीब नहीं होती थी हमको. नागराज सर आए, उनने ग्राउंड दिलाया. तो बहुत सारी मेमोरीज हैं. और आईफोन आ रहा है, आईफोन. हाँ, सबसे बेस्ट फीलिंग जो यहाँ पे थी वो तो ये होती थी कि जब शाम को हम लोग रिज रोड पे घूमने निकलते थे. अभी तो उन्होंने पता नहीं गाने बजाने क्यों बंद कर दिए रिज रोड पे. पहले अच्छे गाने बजाते थे. नहीं, वहाँ पे और भी बहुत अच्छी चीज़ें होती थी देखने के लिए. स्टार्टिंग में मैं और रीत बिल्कुल ऐसे हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं और ये एकदम टिपिकल बिहारी. तो ये लोग ने क्या किया, अपना टिपिकल बिहार का भोजपुरी गाना हम लोग को सिखा दिया. और ये बेचारी बच्ची को पता भी नहीं था कि वो वल्गर क्या होता है, वल्गर सॉन्ग है. और हम लोग मेरे घर पे गए थे और मैंने बहुत अच्छे से पापा को बताया कि मैंने ना एक बिहारी गाना सीख लिया. तो पापा ने बोला चलो चलो यूट्यूब पे प्ले करो. और मैंने बड़ी सी टीवी पे पूरे घर वालों के सामने प्ले कर दिया वो गाना. गाना गा के सुनाएंगे. 1 2 3 स्टार्ट. चलकत हमरो जवनी आए राजा, जैसे के बल्टी के पनिया हो कुछ काली. यार इतना वल्गर सॉन्ग, इतना घटिया वीडियो था. मतलब इसको मिस करेंगे आप सबसे ज्यादा इस कॉलेज में? कॉलेज सबको मिस करूंगा भाई, सबसे ज्यादा तेरे को प्रिंस. कसम से तो जानते नहीं. बट कोई तो एक ऐसा खास होगा जिसको आप नहीं सर, नाम तो नहीं ले पाएंगे. खास तो कोई नहीं है. नहीं सर, आज इजहार करी तो हाँ, स्पर्श को भी मिस करूंगा यार. रूममेट है मेरा. मेरा रूममेट जो है ना बेस्ट आदमी. उसके ऐसा आदमी कहीं नहीं मिल सकता यार, कसम से. क्या यार, कॉलेज में तो आ गए, ना सीनियर है ना जूनियर है, पटाए भी तो किसको पटाए. ये सब गंदी आदत है, मैं ये सब नहीं करता. मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ भाई. भाई मेरे को दे दे, ये तो पीता नहीं है भाई. यार इसकी तो पहले ही साथ बंदी बन गई, हमारा क्या होगा. स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि कैसे डेवलप होगा, कैसे ग्रो करेंगे, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे इधर. पर आखिरी में आते आते अब हमको लोग बोलते हैं कि पैम्पर्ड बैच, क्योंकि हाँ इतना प्यार मिला है फिफ्थ ईयर में आते आते. तो पैम्पर्ड बैच हो गया हमारा. सीखा बहुत कुछ है, हमारे लोग लड़ना सीख गए हैं हमारे बैच के लोग. क्योंकि स्टार्टिंग से ही बेसिक एम्यूनिटीज से लड़ते लड़ते अब हर चीज़ इतना अच्छा हो चुका है कॉलेज का एनवायरनमेंट कि सब आज का जो नए बैचेस आएंगे उनको इस तरीके से सुविधाएं मिलेंगी कि अब ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे सेट कर रहा है. और जबलपुर में मुझे लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा एनएलयू जबलपुर डीएनएलयू बहुत हाई स्टैंडर्ड्स में जाए. सबसे अच्छा मेमोरी फर्स्ट ईयर का आई थिंक यही है कि हम लोग के दरवाजे पीट पीट के हमें बुलाया जाता था बाहर क्लास अटेंड करने के लिए. याद है? कभी बॉयज हॉस्टल में तो बलराज सर खुद जाते थे पर हमारे यहाँ गार्ड आंटी आती थी. तू कब आई? मुझे पता है ये बात, मुंह बंद रखा कर अपना. एक स्टोरी हमें याद आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट बैच हमारा आया कि यही पहले जूनियर्स थे. इससे स्कूल में तो इतना सीनियर जूनियर का रहता नहीं है. तो हम भी गए भाई कि चलो इंटरेक्ट करेंगे, नया बैच आया हुआ है. बहुत सारे ऐसे रूमर्स थे हमारे बैच में ही हो गए थे सेट कि जो हॉस्टल है वो हॉन्टेड है. उसके बाद चलो घूम रहे हैं रात में, 1 बजे गए जूनियर के एक रूम में, सब लोग कैंडल जला के बैठे हैं, करीब करीब 10 बच्चे. जैसे गेट खोला हवा से कैंडल बुझ गई. अब वो जो भागे हैं एक एक करके कि एक तो सर आ गए सीनियर्स, दूसरी कैंडल बुझ गई. जो मिक्स्ड रिएक्शन था वो हमेशा याद रहेगा. और भाई सिद्धार्थ, लॉकडाउन कैसा बीत रहा है? लगे पड़े हैं यार, बेबी से मिल भी नहीं पा रहा,
इंस्टाग्राम रील्स भी देख ली, ग्रुप पर प्लस वन भी कर लिया, पता नहीं क्या चल रहा है भाई। लेकिन अब तो एक दिक्कत हो गई है, अभी अभी तो जूनियर्स आए थे लेकिन अब तो लॉकडाउन लग गया यार, अब कैसे पटाएंगे। जब हम लोग थे मतलब फर्स्ट ईयर में तो वहाँ पे तो आप कहीं खेल नहीं सकते थे, आपको मतलब ऐसे ढूंढनी पड़ती थी जगह कि कहाँ खेलें कहाँ नहीं खेलें। अब ऐसा है कि अब इतने सारे डेवलपमेंट हो गए हैं कि मतलब जैसे कि अब बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, फुटबॉल के दो पोल आ गए हैं, वॉलीबॉल कोर्ट है, क्रिकेट का अच्छा ग्राउंड है, वो बैडमिंटन है, टीटी के तीन चार वो हैं, टेबल्स हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप हुआ है स्पोर्ट्स कल्चर, काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है। और ये है कि रिप्रेजेंट भी DNL बहुत जगह कर रहा है, जहाँ पे इंटर यूनिवर्सिटी फेस्ट होते हैं, विरुद्ध का, JLS, MNLU नागपुर, यहाँ पे जाते हैं अपने बच्चे और फिर वहाँ पे जीतते भी हैं, अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर में रोड पे हम लोग खेलते थे, रोड पे खेल खेल के हम लोग जीते हैं, उसके बाद पोल आए, फिर अब ऐसा है कि अब हम लोग कहीं भी खेलते हैं। अभिषेक भाई, आयुष, बाद बात करता हूँ। शांत भाई एक बात करनी थी भाई, अभी टाइम नहीं है यार। शशांक भाई, भाई थोड़ी देर से बात करता हूँ, उसको सुला दूँ। मेरा कटा है, तुम सबका भी कटेगा भारत यार। जैसे कि आपके जितने सीनियर बैचेस हैं आप उनसे थोड़ी हेल्प लीजिएगा, आप सीनियर्स काफ़ी हेल्प करते हैं, इवन आपको टीचर इतनी हेल्पफुल नहीं हो सकते इतने सीनियर्स होते हैं, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं, उनसे मतलब काफ़ी समझ सकते हैं, उन्होंने आपसे ज़्यादा ही शायद पढ़े हुए हैं, तो शायद मेरे हिसाब से तो आपको उनकी मदद लेनी चाहिए। उनका बीइंग मतलब आपके पास एक सीनियर है, आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, जो कि शायद हम लोग को नहीं मिला है, अपकमिंग बैचेस को जो मिल सकता है, तो मेरी यही कामना है कि आप लोग उनकी सलाह लें यार। और एक लास्ट चीज इसके बाद वीडियो कंक्लूड करनी है, मतलब हम आपस में लड़ गए थे, फोर्थ ईयर वालों को बता रही हूँ, आपस में लड़ गए थे कि नहीं हम तो पहले ही फ्रेशर पार्टी देंगे, हमारे आपस में झगड़े हो गए थे और हमारे जूनियर से कि हमें फेयरवेल देने को तैयार नहीं, मतलब हम दो फेयरवेल तो एटलीस्ट डिजर्व करते हैं यार। この男漫画界の生きる伝説भाई फिफ्थ ईयर तो आते आते अब हम सबका कट गया, शिट यार। बुरा लग रहा है कि जा रहे हैं अब यहाँ से, बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ कह नहीं पाऊँ।